हेलो बच्चों, सो आज हम सीखेंगे मोर और लेस। हमने कल देखा था कितने नंबर्स होते हैं, वो हैं 1 to 9 नंबर्स देखा था हमने। अब हम मोर और लेस देखेंगे। मोर मतलब होता है ज़्यादा और लेस मतलब होता है कम। सो टेक मोर मतलब ये दोनों में से आप काउंट करो और बताओ कौन सा ज़्यादा है। सो यहाँ पे गेम काउंट करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5। और यहाँ पे मैं चेयर्स है तो उसको काउंट करेंगे। 1, 2, 3, 4। सो नंबर 4 इज़ ग्रेटर देन 5। यस, क्योंकि नंबर 4 पहले आता है और नंबर 5 ज़्यादा होता है। सो यहाँ पे ज़्यादा कौन सा है? बॉयज़ ज़्यादा हैं, तो हमने टेक किया मोर पे। बट यहाँ पे क्या क्या, यहाँ पे भी वही क्वेश्चन है, टेक द मोर। तो यहाँ पे कितने फ्लावर्स हैं? 1, 2, 3, 4, 5। और इधर बटरफ्लाई है राइट हैंड साइड, तो बटरफ्लाई कितने हैं? 1, 2, 3। तो मोर कौन सा है? कौन सा सबसे ज़्यादा फ्लावर, कौन सा सबसे ज़्यादा है? बटरफ्लाई ज़्यादा है या फ्लावर ज़्यादा है? तो फ्लावर ज़्यादा है। सो टेक मोर देन टेक लेस। तो यहाँ पे हम, यहाँ पे क्या है ये है लॉक। सो 1, 2, 3। लॉक को हिंदी में ताला भी कहते हैं। सो यहाँ पे 3 है और यहाँ पे कीज कितने हैं? 1, 2, 3, 3, 4। सो यहाँ पे लेस कौन सा है, कम कौन सा है? तो यहाँ पे हमारे अनुसार लॉक कम है। सो यहाँ पे कह रहा है टिक मोर, ज़्यादा वाले पे क्लिक करना है, तो काइट है। 1, 2, 3, 4। और यहाँ पे ये कितने हैं? 1, 2। तो यहाँ पे मोर, काइट मोर है, इससे ज़्यादा है ना। 4 इज ग्रेटर देन 2, सो 4। देन अब हमें यहाँ पे हमें काउंट करना है। काउंट मतलब काउंट करना है, काउंट मतलब गिनना है और मैच करना है। सो यहाँ पे 2 जा रहे हैं, तो बता यहाँ पे 1, 2। सो यहाँ पे 1 और 2 है। सो अब यहाँ पे डॉट कितने हैं भाई? दो डॉट कितने कहाँ हैं? 1 और 2। सो दिस वन एंड दिस वन। एंड यहाँ पे कॉर्न कितने हैं? 1, 2, 3, 4। सो 4 कहाँ है? 4 कहाँ है? 4 डॉट कहाँ है? दिस वन इज़ द 4। 1, 2, 3, 4। एंड देन यहाँ पे हैमर कितने हैं? ये होता है हैमर। सो कितने हैमर हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो डॉट यहाँ पे 6 कौन सा है भाई? तो यहाँ पे लग रहा है ना कि ढेर सारा है ये और ये, तो हम इसमें काउंट करेंगे कौन 6 वाला है। तो यहाँ पे मैंने इसको फर्स्ट काउंट किया, तो ये हुआ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ये तो ज़्यादा हो गया, हमें तो 6 हैमर है तो 6 डॉट वाले के पास जाना। अब दूसरा फिर से यहाँ चेक करते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6। सो हमें 6 के पास जाना है ना, काउंट एंड मैच, मतलब जितना काउंट करोगे उतना ही मैच करना है। सो 6 हैमर है तो यहाँ पे 6 के पास जाएंगे। यहाँ पे कितने बैग्स हैं? 1, 2, 3। तुम्हारे पास 3 डॉट्स तो सामने दिख रहा है भाई। 1, 2, 3, 3 डॉट्स वाले हैं। तो यहाँ पे कैसे? 1, 2, 3। अब हमारा लास्ट बचा है, यहाँ पे कितने हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। 7 एप्पल हैं, तो हमने अभी 7 डॉट वाले को जो ज्वाइन किया था, तो ये है 7 डॉट। इसी तरीके से हमें काउंट और मैच करना था। अभी दूसरा हमें फिर से काउंट और मैच करना है। सो यहाँ पे कितने हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9।
सो हम यहाँ पे चेक करेंगे पहले इसमें कितने हैं. 1 2 3 4 5 6 7 8 ये 9. दिस वन इज द 9th. सो ये 9. 4 मैंगो. सो 4 मैंगो ये हो गया. अब पेंसिल कितना है? 1 2 3 4 5 6 7 7 8. 8 पेंसिल कहाँ होगा? सो यहाँ होगा क्योंकि यहाँ पे हमें ज़्यादा अमाउंट दिख रहा है. 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8. सो मैच हो गया ना. 1 फ्लावर 1 डॉट कहाँ है? यहाँ. अब यहाँ पे वाटरमेलन है. सो 1 2 3 4 5. सो 5 5 कहाँ है भाई? 5 कहाँ है? तो ऊपर 5 है क्योंकि ये कितना है? 1 2 3 4 5. इसी तरीके से हमने काउंटर मैच सीख लिया कि कैसे काउंटर मैच करते हैं. और हम अब 1 कैसे लिखते हैं? हमें 1 1 लिखना है. तो 1 मतलब क्या होता है? स्पेलिंग क्या होता है? O N E. 1 1 मतलब एक. एक स्टैंडिंग लाइन जो होता है वो 1 बनाता है. सो हम अब इसे डॉट को कनेक्ट करेंगे तो हमारा 1 बन जाएगा. सो ये देखो ज्वाइन किया हमने. ये स्टैंडिंग लाइन डॉट फॉर्म में दिया है. इसे हम कनेक्ट करेंगे और ऐसे लिखेंगे. इसी तरीके से हमें वर्क करना है. स्टैंडिंग लाइन स्टैंडिंग लाइन स्टैंडिंग लाइन स्टैंडिंग लाइन स्टैंडिंग लाइन. तो 1 कैसे लिखते हैं हम? स्टैंडिंग लाइन के थ्रू 1 लिखते हैं. 1 1 1 1 1 1 1. इसी तरीके से हमें होमवर्क करना है. अभी हमारा 2 है तो 2 W O 2. T W O 2. 2 मतलब 2. हिंदी में 2 ऐसे लिखते हैं. तो 2 तो 2 कैसे लिखते हैं? हाफ कर्व स्लीपिंग लाइन. अच्छा आप लोगों को नहीं दिखाया, मैं पिछले वीडियो में नहीं देखा होगा तो अभी फिर से देख लो कि हम कौन सी लाइन को क्या कहते हैं. इस लाइन को हम स्टैंडिंग लाइन कहते हैं, इस लाइन को हम स्लिपिंग लाइन कहते हैं, इस लाइन को हम राइट स्लैंटिंग लाइन कहते हैं, इस लाइन को हम लेफ्ट स्लैंटिंग लाइन कहते हैं, और ये होता है लेफ्ट कर्व, ये होता है राइट कर्व, ये होता है अप कर्व, ये होता है डाउन कर्व, और ये होता है सर्कल. सो यहाँ पे हमने बताया ये होता है स्टैंडिंग लाइन. ये होता है स्लिपिंग लाइन. स्लिपिंग लाइन ये होता है, दोनों में होता है स्लैंटिंग लाइन. तो ये होता है लेफ्ट स्लैंटिंग लाइन. और ये होता है राइट स्लैंटिंग लाइन. ये मेरे पिछले के वीडियो में दिया हुआ है तो आप वहाँ से भी देख सकते हो, बताया हुआ है वो भी और डिस्क्राइब भी में बताया हुआ है. ये होता है राइट कर्व, ये होता है लेफ्ट कर्व, कर्व ये होता है अप कर्व, ये होता है डाउन कर्व, और ये होता है सर्कल. सो
हम नेक्स्ट क्लास में फिर से वन से सीखेंगे, बट स्टिल इतनी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, जो अगर आपको नहीं पता तो आप पिछले के वीडियो में एक बार जाके प्लेलिस्ट में जाके आप चेक कर सकते हो। ये सारी चीज़ें मैंने डिस्क्राइब वे में बताई है। सो कल से हम फिर से 1 2 लिखना सीखेंगे। ये सारी चीज़ें आप एक बार प्रैक्टिस करना, कौन सी स्लैंडिंग लाइन होती है, कौन सी स्लिपिंग लाइन होती है। अगर आपको हमारा मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो आप सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब के बगल में एक बेल आइकन है उसे ज़रूर प्रेस करें। और अगर आपको अच्छा लगता है तो आप किसी को शेयर करना चाहते हैं तो अपने फ्रेंड्स को शेयर कर सकते हैं। थैंक यू।